आज शाम सूरत न्यू इंडिया के लिए दौड़ेगा। जी हां, सूरत में रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पीएम शाम 7 बजे रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो सूरत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे और इस मैराथन के लिए पूरे सूरत शहर को खास तौर पर सजाया गया है। हम आपको सूरत शहर की तस्वीर भी दिखाएंगे। देर रात की इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे सूरत को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मैराथन के लिए 38,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पीएम मोदी शाम 7 बजे सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में मैराथन को फ्लैग ऑफ करेंगे। ये लगातार दूसरा साल है जब सूरत में नाइट मैराथन हो रही है। रन फॉर न्यू इंडिया नाइट मैराथन दौड़ में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 42 किलोमीटर की फुल मैराथन दौड़ के साथ साथ 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ भी रखी गई है। तो सूरत पूरी तरह से रोशनी से नहा चुका है। सूरत में रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। शाम 7 बजे का अब इंतजार यहां पर किया जा रहा है। रात का नजारा आपके सामने इस वक्त मौजूद है। रंग बिरंगी हर तरह के रंगों से नहाया ये सूरत आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटिंग से सूरत को सजा दिया गया है। सूरत में रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को हरी झंडी आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे और 38,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा भी दिया है। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होगी, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होगी। शाम 7 बजे का इंतजार है जब फ्लैग ऑफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सूरत से हिंदुस्तान में नजर आएगी। तो रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की मैराथन भी यहां पर तय की गई है। न्यू इंडिया की शपथ के साथ इसकी पूरी शुरुआत यहां पर की जाएगी। सूरत नागरिक समिति ने मैराथन का आयोजन यहां पर किया है। लगातार दूसरे साल सूरत में ये नाइट मैराथन की जा रही है। मैराथन में राष्ट्रीय स्तर के जो धावक हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। मैराथन के लिए 38,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि बड़ी तादाद में न्यू मैराथन का हिस्सा बनने के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि इस मैराथन के लिए पूरे रूट को रोशनी से सजा दिया गया है, यानी कि हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग आपको नजर आएगी। रंग बिरंगी लाइटिंग से सूरत बेहद खूबसूरत हो चुका है। जी हिंदुस्तान एडिटर सूरत से हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, यहां पर सूरत को हमने कल भी दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो चुका है। कहा जा सकता है कि शाम 7 बजे का बेसब्री से इंतजार। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ब्रजेश जी, मेरी आवाज निश्चित तौर पर सबीना, क्योंकि आप ध्यान दें जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से यहां पर लाइटिंग की गई है, एक तरह से कह सकते हैं सूरत शहर का वो हिस्सा जहां से कि मैराथन में जो तमाम धावक दौड़ने वाले हैं 1 लाख नीचे ग्राउंड पे है। जी हां सबीना, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहां पर जो सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर जो स्टेडियम है वहां पर जो है सो इसकी पूरी वहां पर जो है पूरी तैयारी की जा चुकी है। जो फुल मैराथन है, आप ध्यान रखें कि 42 किलोमीटर का जो फुल मैराथन होता है उसके लिए तैयारी की गई है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 10 किलोमीटर ही दौड़ेंगे। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने को रजिस्टर करवाया है और ऐसे में जो मुख्य फंक्शन है वो इस जगह होने वाला है जो कि मूलतः क्रिकेट स्टेडियम है, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जो है शाम 7 बजे के आसपास पहुंचेंगे। ध्यान रखें कि वो चेन्नई से सीधे सूरत आ रहे हैं और उसमें भी खास बात यह है कि विधानसभा चुनावों के प्रचार के बाद से जो सूरत ने जो बंपर समर्थन दिया बीजेपी की, आप ध्यान रखें कि शहर का सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसके बाद से पहला दौरा है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि स्टेडियम में बता दूं कि यहां पर जो कि पहले भी आप ये सूरत शहर आप ध्यान रखें कि जो है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त उन्होंने इस नाइट मैराथन की शुरुआत करवाई थी और यह खास जो है सो एक तरह से इवेंट बन गया ये सिटी कैलेंडर का और जिसका इंतजार अभी शहर को बड़े पैमाने पर रहता। और यह लंबे समय बाद होगा सबीना की जब कोई प्रधानमंत्री जो है किसी मैराथन का, वो भी नाइट मैराथन को हरी झंडी दिखाने के लिए आ रहा होगा। ध्यान रखें कि 7:30 से 8 बजे के बीच करीब 20 मिनट का संबोधन भी है प्रधानमंत्री मोदी का, तो कहीं ना कहीं सूरत शहर को एक तरह से कह सकते हैं जो थैंक्स गिविंग नोट जो होता है वो भी देने की कोशिश करेंगे। उनकी सरकार की तमाम उपलब्धियों की भी चर्चा और तमाम लोग जो कि इसके आयोजन से जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं यहां पर दिन रात पिछले
एक महीने से किए हुए हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे साथ हैं। अशोक मेहता है हमारे साथ। अशोक भाई, जब ये आप लोगों ने नाइट मैराथन शुरू किया था, उसमें मोदी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज प्रधानमंत्री के तौर पर वो यहाँ पर आ रहे हैं नाइट मैराथन का उद्घाटन करने के लिए, फ्लैग ऑफ करने के लिए, इस शहर के हिसाब से कितना बड़ा इवेंट है ये? सर, ये सूरत शहर के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर मैराथन के लिए आ रहे हैं और पूरा सूरत शहर इसमें इस घड़ी की राह देख के बैठा है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ आए। और जाहिर है प्रशासन के लिए भी जो है एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि शहर की सड़कों पर जो पूरा मैराथन का रास्ता तय किया गया है, करीब 42 किलोमीटर का वो पूरा रास्ता, उसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारी की है, क्योंकि 1 लाख से भी अधिक लोग जो है सो दौड़ने वाले हैं अलग अलग समय तक। ध्यान रखें, कोई 10 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई फुल मैराथन दौड़ेगा, और ऐसे में प्रशासन की भी चुनौती है। सूरत शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों ने अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी की है इस मैराथन को सफल बनाने के लिए? सर, यहाँ बिल्कुल हर जगह के इंतजाम किया हुआ है, सबका एयरपोर्ट से या स्टेडियम का दौरा, और यहाँ से सब धावक दौड़ेंगे 5, 10, 21 और 22 किलोमीटर के लिए। सर, पूरा शहर में पूरा बैरिकेटेड रोड, रास्ता, सभी सब लाइटिंग, सभी पूरे इंतजाम किया हुआ है। ये रही इंतजाम की बात, और सबीना, अगर हम इंतजाम की बात करें उससे भी बड़ा बात, आप ध्यान रखें कि सिग्नल देने की बात, प्रधानमंत्री मोदी चूंकि मैराथन जाहिर है मोटे तौर पर युवा इससे जुड़े होते हैं, सूरत शहर गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अगर हम भारत की बात करें तो देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, जहां पर कि सिर्फ गुजरात के ही लोग नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आकर रहते हैं, करीब 80% आबादी जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और ऐसे में एक तरह से कह सकते हैं इस मिनी इंडिया में प्रधानमंत्री का आना, वो भी मैराथन की शुरुआत कराने के लिए, वह काफी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो सो लोग जो है बड़े पैमाने पर उत्साह भी है, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, लोगों का उत्साह तेजी से बढ़ा, और इसीलिए रजिस्ट्रेशन यानी जो मैराथन के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है, और इसीलिए यहां पर जो है सो न सिर्फ इस जगह जो कि ये वेन्यू है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, यहां पर जहां पर मुख्य समारोह होने वाला है, जहां से फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी इस मैराथन को, उसके अलावा अगर आप ध्यान दें इसको जो क्वाइन जो किया गया है, जो शब्द रन फॉर न्यू इंडिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो एक तरह से कह सकते हैं जो पेटेंट क्वाइनेज है, जिस नए भारत की वो बात करते हैं, उसके साथ भी इसको जोड़ा गया है, और पूरे जो मैराथन के रूट पर जो है वह जो है तमाम जो मैसेजेस लगाए गए हैं वह कहीं ना कहीं उनकी सरकार की जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। एक से बताइए, जब आप लोगों के शहर में जब मैराथन फाइनली आज शाम में जब होने जा रहा है, जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है नाइट मैराथन है, शहर के युवा के नाते जो सो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें भी खासतौर पे तब जबकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हो? सर, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है कि ये प्रधानमंत्री हमको ये प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, और यंग के लिए तो मतलब क्या है कि एक बार एक नया मैसेज है सर, कि इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाए, क्योंकि हमको आज तक इतना बहुत बड़ा इतना प्रोत्साहन प्रधानमंत्री की ओर से मिला नहीं था, आज हमको मौका है कि हम कुछ करके दिखाए, तो यंग लोग मतलब सब पूरा सूरत के सब यंग एक तरीके से जुड़ गए कि चलो यंग मतलब रन फॉर इंडिया, रन फॉर न्यू इंडिया, और कुछ भी करके मतलब हम देश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा करके मैसेज है हमारा। यानी कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंस्पिरेशनल भी रहने वाला है, और इसीलिए जो है कनेक्ट उस तरह का है जिसमें की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। एक बार फिर से मैं दिखा दूं इस पूरे वेन्यू को सबीना, यह वो मुख्य मंच है जहां से कि प्रधानमंत्री जो है जो तमाम लोग जो मैराथन में हिस्सा लेने वाले हैं उनको जो है फ्लैग ऑफ करेंगे, शाम 8 बजे के करीब होगा ये, उसके पहले जो है वह जाहिर है यहां पर उनका एक भाषण भी है जिसमें कि अपनी बात रखेंगे, और माना यह जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो कि पिछले दिसंबर में पूरे हुए, जिसमें कि न सिर्फ सूरत शहर ने बल्कि इस पूरे सूरत जिले ने जमकर समर्थन दिया, शहर की तमाम सीटें जीतने में सफल रही बीजेपी, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सूरत शहर के लोगों का आभार भी मानने की कोशिश करेंगे, जो तमाम जो समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, और ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं युवाओं को जो कि एक बड़ा वर्ग है उनको अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस मैराथन के जरिए, और इसीलिए उन्होंने अपनी सहमति भी दी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, क्योंकि ध्यान रखें कि बहुत ध्यान में नहीं आता कि कोई प्रधानमंत्री किसी मैराथन को शुरू कराने के लिए जाता हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जाहिर है आज शाम करीब 6:50 पर जब सूरत पहुंच रहे हैं तो इसी एकमात्र कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, चेन्नई से सीधा आ रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस है खुद उनके लिए भी इससे जो है जाहिर हो जाता है। शुक्रिया ब्रजेश जी ये तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही लगातार आपकी तरफ रुख करते रहेंगे, तो रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन पर पूरी जानकारी हिंदुस्तान एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह जी हमें दे रहे थे कि किस तरह से आज एक बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीर सामने आने वाली, और ये तस्वीर भी आपके सामने
मौजूद है। रंग बिरंगी लाइटिंग से इस वक्त सूरत पूरी तरह से सराबोर हो चुका है। 30,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और साथ ही मैराथन के लिए आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर जगह आपको लाइटिंग नजर आएगी और खासतौर से ये मैराथन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ के लिए यहां पहुंच रहे हैं और जैसा कि जानकारी भी दी कि चेन्नई से सीधा दिल्ली सूरत की तरफ रुख करेंगे, 6:50 पर पहुंचेंगे, यानी कि 7 बजे एक और शानदार तस्वीर यहां पर फ्लैग ऑफ के सामने आएगी जब रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिखाई जाएगी। तो सूरत में रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन पर जी हिंदुस्तान की कवरेज आपके सामने मौजूद है और देखिए रंग बिरंगी ये लाइटिंग जो है ये साफ बताती है कि किस तरह से बड़े स्तर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन रन फॉर मैराथन न्यू इंडिया के लिए यहां पर किया गया है, यानी कि न्यू इंडिया एक नई तस्वीर जो कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्सेप्ट का एक सबसे अहम हिस्सा भी रहा है। तमाम दिग्गज भी इसमें मौजूद रहेंगे।